हल्द्वानी की, जहां पर रोशनी सोसाइटी की ओर से मानसिक दिव्यांग बच्चों के विकास के लिए रीजनल पेरेंट्स मीट का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में पंजाब, हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों से लगभग 200 दिव्यांग बच्चों के अभिभावकों के पहुंचने की उम्मीद है। इस मीटिंग में मानसिक दिव्यांग बच्चों पर कार्य करने वाली संस्था द्वारा सेमिनार को देश भर के अलग अलग रीजन में चलाया जा रहा है। वहीं उत्तराखंड में इस बार रोशनी सोसाइटी संस्था के सहयोग से मानसिक दिव्यांगता से बच्चे और उनके अभिभावकों के साथ में विस्तृत चर्चा की जाएगी। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। बच्चों को स्पेशल तरीके से हम लोग ट्रीट करते हैं। जो भी उनकी एक्टिविटी एडीएल में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, हम उनको ट्रीट करते हैं। जिस एरिया में बच्चे वीक हैं या नहीं कर पा रहे, हम उस एरिया में उनको करने की सुधार करने की कोशिश करते हैं। लाइक जिसमें अगर मान लीजिए किसी बच्चे में ग्रॉस नहीं है तो हम ग्रॉस में काम करते हैं, किसी में सेंसरी इशू है तो वो हम सेंसरी इशू पे उस पर काम करते हैं ताकि वो आगे चल के सेल्फ इंडिपेंडेंट बन पाए। जो मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चे होते हैं उनके पास इंटेलेक्ट नहीं होता है, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा निम्न स्थिति में होते हैं, तो ज़्यादातर समाज में उनके लिए काम करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम होती है। लेकिन हम लोग चूंकि पेरेंट्स हैं, हमारे बच्चे भी इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड हैं, तो हम लोगों की कोशिश ये है कि इन बच्चों के लिए भविष्य में जैसे वोकेशनल ट्रेनिंग के द्वारा या किसी रोजगार परक कोई योजनाओं के द्वारा इनको जो है इनका जीवन यापन इनका हो सके, सही ढंग से इनका पुनर्वास हो सके। रोशनी इसके सोसाइटी एक अभिभावक संस्था है मेंटली डिसेबल्ड बच्चों की। तो इसकी स्थापना 2011 में की गई थी, जो 2016 में हमने एक पुनर्वास केंद्र की स्थापना की ताकि हम अपने बच्चों को एक अच्छा जीवन दे सकें, उनको जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है वो हम उनको प्रोवाइड करा सकें।